स्वागत है आपका मारीना संदेश में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के घोसी विधानसभा से है। बता दें आपको कि 5 सितंबर को जहां घोसी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, तो वहीं प्रदेश के बड़े से बड़े नेताओं का आवागमन लगातार घोसी में हो रहा है। उप मुख्यमंत्री तक यहां पर आ चुके हैं। वहीं विपक्षी दल के नेता भी तमाम यहां पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, तमाम नेता यहां पर लगातार आने जाने का सिलसिला बना हुआ है। लेकिन मीडिया से रूबरू होने के दौरान विकास के मुद्दों से हट करके जो बातें हो रही हैं, वो आरोप और प्रत्यारोप की लगातार चल रही है। कोई किसी को चिलम्बास कहता है, तो कोई किसी को पियक्कड़ कहता है, कोई किसी को दलबदलू कहता है, कोई किसी को घटिया कहता है, कोई किसी को ससुर जी कहता है, तो कोई इस तरीके से तान कसता है। धर्म की राजनीति चल रही है, जात की राजनीति चल रही है और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। जनता आपस में लड़ रही है, इलेक्शन के नाम पर चर्ची चौराहों पर बैठ के बहस कर रही है, भीड़ लग रही है, झगड़ा हो रहा है और इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके आपको विकास के मुद्दों को ध्यान पे रखते हुए वोट करना चाहिए। समाज में एक ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो हर वक्त आपके बीच में मौजूद रहे, आपके दुख दर्द को समझ सके, आपको जो बेहतर लगे आप वोट उसको दीजिए। खास बात हम आपको बता दें, जो नेता आपस में लड़ रहे हैं कल दिन यही एक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जितने वीडियो में नेताओं को दिखाया गया है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, बाद में पार्टियों का विलय किया। बहुत ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी बनाई है और पार्टी को उनको सहारे की जरूरत पड़ रही है, तो कभी किसी दल से सट रहे हैं, कभी किसी दल से सट रहे हैं। वहीं बड़ी पार्टियां भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनको छोटी भी पार्टियों की जरूरत है, तो उनको अपने में सटा रहे हैं। धोखा देने के बाद भी, भला बुरा शब्द सुनने के बाद भी, ये लगातार सिलसिला चल रहा है। पक्ष सत्ता और विपक्ष दोनों का यही मामला चल रहा है। विशेष करके कुछ पत्रकार हैं जो इस आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे भाषणों पर जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इस पर सख्त नजर रखते हुए चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए जो इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करें और अंकुश लगाने के साथ ही चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराएं। ऐसे तो जिला प्रशासन देखने में काफी एक्टिव दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं नेताओं के दिल से आदर्श आचार संहिता का डर निकलता हुआ दिख रहा है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और बहुत लोग इस पर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी जितने भी वोटर हैं, सभी से अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना वोट करें, बिल्कुल शांति बनाए रखें, आपस का कोई रिश्ता किसी नेता की वजह से ना खराब करें, मोहब्बत को कायम रखें और वक्त आने पर गुप्त तरीके से मतदान को गुप्तदान करें और अपना नेता चुनें।